इसलिए हर माँ का धर्म है कि वो अपने बच्चे को ध्रुव जैसा बनाए, और ध्रुव जैसा जो अपने बच्चे को देखना चाहती हैं वो पेट में ही बना सकती हैं, क्योंकि ईंट सांचे में बनती है, बाहर आकर सीधा नहीं कर सकता कोई उसको। याद रखना, चाहे जितना सीमेंट लगा लो पर दीवाल टेढ़ी हो गई है तो सीमेंट से प्लास्टर से चिकनी हो जाएगी पर सीधी होने वाली नहीं, नहीं, नहीं। इसीलिए ऋषियों ने 16 संस्कार बनाए मनुष्य के। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, बिना गुरु के मत करो उसको। बिना गुरु बनाए बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए भाई, मेरा कहने का अर्थ है ये, बिना वेद शास्त्रों का पढ़े ज्ञान लिए बच्चा पैदा ही मत करो, भोग करके बच्चा पैदा मत करो बस। क्यों? भोग के बच्चे पशु तुल्य होते हैं, भोग का बच्चा पशु तुल्य, भैंस बकरी घोड़े हाथी जो पैदा कर रहे हैं ऐसी तुम भी मजा लूट के बच्चा पैदा करते, बच्चा कैसे होंगे फिर? ध्रुव नहीं होगा फिर, प्रहलाद नहीं होगा, फिर क्या होगा? भोगी। कपड़े लाओ उसे, कपड़े नहीं तो रोएगा, माथा फोड़ेगा, खिलौना लाओ नहीं तो रोड पर रोता है, दुकान पर मुझे ये पसंद है ये पसंद है, नहीं दिलवाया तो माथा फोड़ता है। मम्मी को दिलवाना पड़ता है हाथी प्लास्टिक का, भोगी है ना, जन्म से भोग की आदत है इसको, भोग से पैदा जो हुआ है। इसलिए गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के पेट में 6 महीने का गर्भ चक्रव्यूह का युद्ध करना सीख गया। 6 महीने का पेट में, 6 महीने का बालक युद्ध करना सीख सकता है तो 6 महीने का बालक पेट में भगवान की भक्ति करना भी सीख सकता है। पर कोई महिला राम नाम जपे तब ना पानी पूरी मांगती है, हा? सासु मां मच मच हो रही है जीव में, दूध पी के उल्टियां हो रही है, वॉमिट हो रही है, सासु मां ने कहा कुछ तो खा ले बेटा, तेरा पहला बच्चा है, तेरे मन की कुछ मत मार ले। ठीक है सासू मां, समोसा मंगवा दो तुम अपने बेटा से, ले लाल मिर्ची खा के ध्रुव कैसे पैदा होएगा? समोसा, समोसा ही टेढ़ा है तो औलाद कैसे सीधी हो जाएगी? थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई की है डॉक्टर की ना, इसलिए ऐसी बात हो रही। गर्भवती महिला को कच्चा आम बहुत भाता है, आम कच्चा खाएगी तो फिर पका हुआ आम पैदा कैसे करेगी? कच्चा ही पैदा होगा, संस्कार कच्चे, गुण कच्चे, जीवन कच्चा, बुद्धि कच्ची, सब कच्चा। चार चार कोचिंग कर रहा है पर याद होता नहीं। कहां जा रहा है बेटा? एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा। कौन सी क्लास? एक्स्ट्रा, मैंने ये कौन सा विषय भाई? एक्स्ट्रा क्लास बोले तो ये विषय कौन सा है? एक्स्ट्रा विषय, जब क्लास ही एक्स्ट्रा है तो स्कूल में ऐसी तैसी कराने जाता सुबह से 12 बजे तक, फिर फीस किस बात की? इंद्रदेव महाराज को बुलाइए और शादी के दिन उपदेश लीजिए। दूना दूल्हा दुल्हन दोनों, राम और सीता ने लिया था शादी के दिन उपदेश, ऋषियों का सत्संग और सभी देवताओं की शादियों में साधु महात्माओं के फोटो आपने देखे ही। भगवान कृष्ण की शादी हो रही है, महात्मा बैठे हैं सिंहासनों पर, और आजकल शादियां होती हैं तो कौन बैठता है सिंहासनों पर बताओ? जो आधा है ही नहीं सिंहासन पे, आधा पहले से ही गायब है। साले की शादी है, बिना पिए कैसे जीजा शामिल होगा शादी में? बोलो, पी खा के शादी में हो रहा है तो कौन सा आशीर्वाद देगा तुमको, बताओ ना, हैं? बोलो तो सही। हाई कमान, हाई क्लास के लोग आके बैठे हैं, सब लोगों के लिए अलग आसन डाला हुआ है वगैरह वगैरह। शादी हो गई, मंगलाष्टक हो गए, सावधान हो गया, लक्ष्मी हो गई, माला डाल दी, तब तक हाई क्लास के लोग अपने मोबाइल पे बोर्ड सो भी सेटिंग में लगे पड़े, क्या फायदा भाई? आशीर्वाद के लिए हम बड़े लोगों को बुलाते हैं। इसीलिए शादी में कोई हाई क्लास आए ना आए पर एक साधु जरूर आना चाहिए, चाहिए। एक साधु होना चाहिए शादी में, गुरु होना चाहिए। क्यों? शादी के दिन पार्वती और शिवजी की कथा सुननी पड़ती है दूल्हा दुल्हन को, गृहस्थ की कथा,
सारी दुनिया को चलाने वाला शिव अपनी पत्नी के साथ में बच्चा पैदा नहीं कर रहा। वो कह रहा पहले भगवान की बन, तू पहले कथा सुन, जब तक कथा नहीं सुनेगी सत्यनारायण की तब तक मैं तुझे मां नहीं बनाऊंगा। इसीलिए हिंदू धर्म में सत्यनारायण की बाद ही आगे का आप जानो। आज सत्यनारायण है हमारे घर, सत्यनारायण। अच्छा ठीक है, फिर कब? कल से ऑफिस आऊंगा, आज सत्यनारायण हो जाए फिर ऑफिस आऊंगा। हो गई सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा हो जाएगी ना फिर चले जाएंगे बच्चे घूमने के लिए, फिर मैं दुकान पे आऊंगा। हो गई सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा सुन के प्रसाद हमने खाते देते, पर ये आजकल के लड़का लड़की घूमने के लिए सत्यनारायण करते हैं। टिकट पहले आ जाता है घर पे, फिर बाद में सत्यनारायण का मुहूर्त निकलता है। और जिनका टिकट आ गया है गोवा का और कुल्लू मनाली का, उनके घर में ध्रुव कभी आने वाला नहीं है। संस्कारम ध्वज उच्चते, ये सब आप कर नहीं पाए इसलिए मुझे आना पड़ा है। यहाँ भगवान ने भेजा है कि जो हो गया सो हो गया, पर जो होने वाला है उसे संभाल ले जाके इंद्रदेव, और संस्कार दे दे इनको। ये सब लोग माला पहने, गुरु बनाएं, और फिर बाद में विवाह करें, शादी करें, बच्चे करें, फिर क्या होएगा? भजन करने वालों को भजन आनंदी होगा, गाय को बांसुरी होती है आनंदी होता है, पड्डा नहीं होता उसको, पड्डा समझते ही? भैंस के लल्ला को क्या बोलते आप? आपके घर में तो मुझे लगता है वही ज्यादा है, दूध पी के जो सोवे वही भैंस का पड्डा है। अब दूध पी के कौन सोता बता? तुम्हारी औलाद को मैंने दूध पी के सोते ही देखा है। गाय का बछड़ा दूध पी के कुदकता कुदकता कुदकता, और भैंस का बछड़ा सोता है। तुम्हारे घर में बताओ ना, फिर तुम्हारा पेट भर के पी ले तो तुम्हारा क्या करता बताओ ना? नहीं, तुम्हारा तो क्रिकेट खेलने जावे दूध पी के। बहू पिला दे सुला दे, सास कह रही है सुला दे पिला दे, सास समझ गई, सास को मालूम है ये पशु की औलाद है, ये पिएगा तभी सोएगा, बिना पिए सोने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना चाहिए? गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार में 3 घंटे लगते हैं, यज्ञ होता है, पति पत्नी बैठते हैं, औषधियां पड़ती हैं, दूध की खीर बनती है, कामधेनु का दूध आता है, और जब उस गर्भाधान को कोई करता है तो गर्भाधान संस्कार वशिष्ठ और राजा दशरथ ने करवाया था, और देखो राम और भरत जैसे पुत्रों का जन्म हुआ था हमारे। अच्छा आपके कितने संस्कार होते हैं? पढ़े लिखे लोग बैठे बताओ आपके कितने संस्कार होते हैं? 2, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, फिर 14 कौन करेगा? 16 संस्कार होते मनुष्य के, 16। पहला गर्भाधान, 3rd महीने में पुंसवन, 7th महीने में सीमांत, जन्म वाले दिन जाति कर्मण, 11th दिन वायु प्रासन, और 100 दिन में नामकरण, 6 महीने में अन्न प्राशन, फिर समावर्तन, मुंडन संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवी संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, फिर अंतिम संस्कार। तो कितना भी सुना ले महात्मा, हम तो कोई करने वाले नहीं है। मत करो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, पर मेरा तो ईमानदारी से सुनाना पड़ेगा ना, मुझसे जवाब लेगा शाम को। मेरी कथा सुनाने गया था, क्या सुनाया तूने? जवाब देना पड़ेगा, और मैं तो जवाब सही सही दूंगा। जो गलत करे ना वो क्यों डरे? आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो इतना अच्छा सुना रहा हूँ कि आप सुनते ही रहो सुनते ही रहो। हाँ, और ये क्या, पूरी जब से जन्म लिया है, जब से समझ आई है थोड़ी बहुत, तब से वही सुना रहे। रात कब आती, दिन कब आता, समय कब आता, घड़ी कब जाती, कब आती, समझता नहीं है। यहाँ क्यों? यहाँ सुख बरसता है, और सुख में समय का पता चलता नहीं है। एक बार सिर दुखने दो, फिर रात नहीं निकलती 12 घंटे की।
रात 6 महीने की हो जाती है। घर में कोई मर जाए तो फिर 76 साल की रात दिखे। रो रो के थक जाते सब, रात सुबह ही नहीं हो रहा, सुबह ही नहीं हो रहा। और सुख में सदगुरु भगवान ने